भागलपुर सुल्तानगंज के बिस्कुमान भवन में हजारों किसानों को नहीं मिल रही यूरिया खाद, इसको लेकर खैरिया के किसानों ने बताया कि बिस्कुमान भवन में मात्र 1400 यूरिया का बोरा आया हुआ था, जो दो ही दिन में सभी यूरिया खाद खत्म हो जाने पर हम लोगों को यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा है। बाहर के खाद दुकानों में भी यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा है, यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं बिस्कुमान प्रबंधक चंदन कुमार ने बताया कि 1400 यूरिया खाद आया हुआ था, जो खत्म हो जाने पर सैकड़ों किसान खाद लेने के लिए घूम रहे हैं। खाद आने पर ही किसानों को खाद दे पाएंगे, इसको लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मणि ने बताया कि बाजारों में यूरिया खाद का स्टॉक है, किसानों को खाद मिल रहा है, लेकिन धरातल पर किसानों को यूरिया खाद के लिए खाद दुकान का चक्कर लगाते हुए देखे गए, लेकिन अब तक हजारों किसानों को यूरिया खाद अब तक नहीं मिल पाया है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए हजारों किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराएं, जिससे किसानों का फसल बर्बाद होने से बच सके। कहाँ घर हुआ आपका? जी खैरिया हुआ घर, प्रखंड सुल्तानगंज। जी जी, क्या समस्या आ गई आप लोगों को? यूरिया नहीं मिल रहा है, इसको मन में यूरिया नहीं है। 1400 बोरिया यूरिया भेजा, उसमें भी मिला नहीं। 8-9 किसान आए थे, एक भी यूरिया नहीं दिया। ये नहीं तो देगा कहाँ से? दो दिन से घूम रहे हैं, दो दिन से, तीन दिन से, आज भी आए हैं, आज भी नहीं। तो 10 किसान हैं आप लोग? हाँ 10 किसान है, कम से कम 50 बोरी चाहिए था, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। दुकान में जाते हैं क्या करता है? दुकान में जाते हैं, दुकान का भाव है उतना बोलता है, क्या ले पाएंगे, 700-800 रुपया बोरी बोलता है। उसके बाद नहीं नो भी लीजिए, 1000 पड़ता है एक बोरा, एक बोरी नहीं नो का ले पाएंगे उतना? उतना नहीं ले पा रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। कुमार केवल इस पूरे प्रखंड को नहीं संभाल सकता है, इसके लिए दुकानदार सबको भी सही रेट में खाद उपलब्ध करवाना पड़ेगा, तब हो सकता है। और हमारा रेक अब कहेगा था जब भी आएगा तो अब 10-15 दिन के बाद ही आने वाला है। हमको लगता है कि लगभग 30-40% किसान तो बचा ही होगा। अब मेरे पास 1450 बोरा आया था, तो उसमें हम कितना किसान को दे सकते हैं? 600-700 किसान को, 800 किसान को, अधिक से अधिक मैक्सिमम। यहाँ तो हज़ारों किसान हैं, यहाँ तो डेली आते हैं 400-500 किसान, नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, देते हैं एक बोरा दो बोरा किसी को ऐसे करके ज़रूरत के हिसाब से। नैनो नहीं ले रहा है? नैनो तो ऐसे अब आजकल लोग थोड़ा थोड़ा जागरूक हो गए हैं, लेते हैं अब धीरे धीरे वो समझने लगे हैं कि नैनो की यूरिया का बहुत ज़्यादा किल्लत है, नैनो का ही यूज करना होगा, क्योंकि सरकार भी ज़्यादा अब नैनो पे ही ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अब धीरे धीरे अब सब शुरू कर रहे हैं, लेकिन उस टाइप से भी नैनो लेने में भी कतराते हैं, इसीलिए नैनो मेरा बहुत सारा क्या कहता रह जाता है। तो सरकार को और जो है खाद उपलब्ध कराना चाहिए, कितना तकरीबन जो है? सरकार तो क्या कहता है उपलब्ध करा ही देती है, लेकिन यहाँ पे जब क्या कहता है आता है तो यहाँ तो ऐसे सब पता, स्टॉक पता चलता है बहुत सारा है, लेकिन और सब जगह स्टॉक का कहीं। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।